हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार आप सभी को। कैसे हो? आई होप क्लास 11 बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज। जिसने पहले दो वीडियोस नहीं देखी, जिसमें हमने रिवाइज सिलेबस और एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस के बीच में डिफरेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, वो डिस्कस किया है। माय नेम इज गोकुल छाबड़ा एंड आई टीच इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एट लर्न करो चैनल। आप सभी के लिए बनाए, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए बनाए। हम सारा कोर्स 45-90 डेज के अंदर पूरा करने वाले हैं, ताकि बोर्ड्स में आपको आसानी हो, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स, क्वेश्चन टाइप्स, ये सब आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, ताकि एक सिस्टमेटाइज रूटीन के साथ आप काम कर सकें और हम रेगुलर चैट पे हो, रेगुलर क्वेरीज हमारी सॉल्व हो सके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत जिस्ट में कर लिया था कि बिजनेस के एलिमेंट्स क्या है। देखो यार, बिजनेस जो है वो दो तरह से डिवाइड हो सकता है। कैसे डिवाइड हो सकता है? वो इंडस्ट्रीज में डिवाइड हो सकता है और कॉमर्स में। और ये बाइफर्केशन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो, हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि किस चीज से हमें क्या फायदा है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज अगर इंडस्ट्री की और वो हम कॉमर्स की बता रहे हैं, तो हमारे लॉजिक में या हमारी बेस में कहीं ना कहीं कुछ खराब है। इसलिए ही ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्योंकि हमें समझना है कि इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। मेनली डिफरेंस इतना सा है कि इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में काउंट होती है। जो कॉमर्स होती है वो मोस्टली बिजनेस रिलेटेड होती है, जैसे सर्विस ओरिएंटेड ज्यादा होती है। अब इसमें भी ट्रेडिंग होती है और इंश्योरेंस एंड बैंकिंग होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। बट आज के लिए वीडियो में हम ये ट्राई करेंगे कि जो हमारा इंडस्ट्रीज का पूरा पार्ट है, इतना पूरा पार्ट ये खत्म हो जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? सारे इंडस्ट्रीज का आज हम पूरा पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन कि इंडस्ट्री होती क्या है। देखो यार, इंडस्ट्री का मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता दूं। इंडस्ट्री वो सेक्टर है वेयर रॉ मटेरियल गेट फिनिश्ड इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट विच क्रिएट सम यूटिलिटी। ध्यान रखना इन सब बातों को। इट इज अ रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल सो दैट इट कैन बी क्रिएटेड इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट। उस जगह को या उस सेक्टर को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। अब एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, हमारी चार टाइप की एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। अब जैसे देखो, इसमें लिखा हुआ है रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड अदर लिविंग स्पीशीज, इन सबको हम इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सेक्टर और इंडस्ट्री क्या ये सेम होता है? मेरे अकॉर्डिंग ये सेम नहीं होता। तो आप जरूर चेक करो इंडस्ट्री और सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस होता है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप देखो यार, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग यही होता है कि हम एक फैक्ट्री के अंदर, ऐसी कोई फैक्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हो, कोई रॉ मटेरियल उठा के कोई फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, ताकि उससे कुछ वैल्यू निकल सके। वो इंडस्ट्री का सिंपल मतलब है। पर्पस क्या है इंडस्ट्री का? देखो, अभी हमने बात करी, पर्पस ये है टू क्रिएट यूटिलिटी। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, टू क्रिएट यूटिलिटी। यूटिलिटी जिसको हम वैल्यू फॉर मनी भी बोलते हैं। अब आप सीधा आटा नहीं खाते, आप खाते हो आटे से बनी रोटी, समझ लो। तो आटा हमारा यहां पे रॉ मटेरियल है, पर रोटी जो हम खा रहे हैं वो उससे हमें यूटिलिटी मिल रही है, एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। हमने आटा खरीदा इसलिए ही ताकि हमें वैल्यू फॉर मनी मिल सके। तो यही एक इंडस्ट्री का काम है, एक रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट को एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, जिससे हमारी एक यूटिलिटी गेन हो सके ह्यूमंस के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स प्रोड्यूस अंडर द इंडस्ट्री। कौन से गुड्स होते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर बन सकते हैं? तो देखो यार, बाइफर्केशन मेन ये है कि हमारे दो टाइप के गुड्स होते हैं। गुड्स कौन से होते हैं हमारे? एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जिनको यूज करके हम कुछ और बनाएं, मतलब मशीनरी यूज करके हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, बाइक बनाने के लिए आपको एक मशीन चाहिए और स्पेयर पार्ट चाहिए। तो इस केस में जो बाइक है वो हमारी कंज्यूमर गुड है। कंज्यूमर गुड का मतलब क्या है? जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे ब्रेड और बटर, जैसे हमारी बाइक, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, हम उसके थ्रू कुछ नहीं यूज कर रहे, हम उसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी है, बाइक बनाने के लिए ऑटो पार्ट्स चाहिए और मशीनरी चाहिए, तो वो हमारे हो गए कैपिटल गुड्स। वैसे ही कंज्यूमर गुड्स हो गए हमारा केक या कुछ खाने की चीज, एवरी ईटिंग आइटम दैट यू कंज्यूम डायरेक्टली कम्स अंडर द कंज्यूमर गुड्स पार्ट। नाउ
एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं वो कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है, ये जरूर बताना, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका आंसर, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। ये जो मोबाइल्स यूज कर रहे हैं हम, ये सब, ये कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है, मेरे को इसका आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करें कि इकोनॉमिक सेक्टर्स, या इकोनॉमिक सेक्टर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, जल्दी बताओ, इकोनॉमिक सेक्टर्स को हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री। अब देखो यार, बुक के हिसाब से इंडस्ट्री और इकोनॉमिक सेक्टर्स एक बात है, बट अगेन माय क्वेश्चन कम, सेक्टर्स और इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, वो आप देखना क्या डिफरेंस होता है। अब हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स और इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स कौन से हैं? थ्री पार्ट्स है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, समझ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और इनके ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात यह है, प्राइमरी वो है जो नेचुरल रिसोर्सेस हमें प्रोवाइड करा रही है, जो रॉ मटेरियल हमें एक नेचुरल रिसोर्स से मिल रहा है, वो है हमारा प्राइमरी। क्या बोलता है ये? एनसीईआरटी बोलती है, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ और सी। जो हमें लैंड या सॉइल या अर्थ या सी से मिल रहा है, वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी वो है विच प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज रॉ मटीरियल। हमने यहां से रॉ मटीरियल उठाया, फिर यहां पे वो प्रोसेस होना शुरू हुआ और यहीं से वो एक फाइनल गुड बन के आएगा, जो कस्टमर्स परचेज करेंगे। तो यहां से हमने रॉ मटीरियल उठाया और यहां से यहां पे हमने उसको प्रोसेस किया एक फाइनल गुड बनाने के लिए। अब हम लास्ट में आते हैं टर्शरी। टर्शरी या बेसिकली इंडस्ट्रीज वो वाली होती हैं जिसमें एक सर्विस प्रोवाइड करी जाए। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल है बैंकिंग, एग्जांपल है एस्ट्रोलॉजी या एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशंस। एग्जांपल है सर्विस, सर्विस प्रोविजन होता है इसमें। ये मैं आपको इसे लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, टर्शरी मतलब सर्विस, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और प्राइमरी मतलब रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना। समझ आ गई? अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, प्राइमरी दो अलग अलग पार्ट्स में और डिवाइड हो सकती है। क्या डिवाइड हो सकती है? अलग अलग पार्ट्स हैं ये वाले, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। ठीक है, अब इनको समझते ही सबसे पहले पढ़ना मत शुरू कर दो, खुद का दिमाग लगाओ और सोचो कि एक्सट्रैक्टिव क्या हो सकता है, जेनेटिक क्या हो सकता है। देखो यार, बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जिसमें हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यार ये तो ऑलरेडी दिखा रहे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमने वुड काटी, जैसे हमने फिशिंग करी, तो हमें नेचुरल रिसोर्स मिला, इस टाइप ऑफ इंडस्ट्री को हम बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब वैसे ही और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल, ये आपको कुछ बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल तो हमारा प्राइमरी कॉन्सेप्ट से ही आ गया, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया? वो आया नेचुरल रिसोर्सेज से। और एक और बात, इसके एग्जाम्पल्स लर्न करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। एग्जाम्पल्स क्या है? लंबरिंग, लंबरिंग का मतलब क्या होता है? लंबरिंग का मतलब कुछ टिम्बर से रिलेटेड है कि हम टिम्बर निकालते हैं, नेचुरल रिसोर्स हमारा, टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही हंटिंग है, फिशिंग प्रोडक्ट्स है या फार्मिंग है, ये सब आएंगी हमारी एक्सट्रैक्टिव डिवीजन में। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेनेटिक। देखो यार ये भी बहुत इजी है, जेनेटिक मतलब जेनेटिक आया है जीन से, और जीन्स मतलब रिप्रोडक्शन। तो ये देखो हो गया हमारा काम आसान, कि हमने कोई चीज रिप्रोड्यूस करी, रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे हमें अंडा चाहिए, हमें मिल्क चाहिए, वो कोई ना कहीं से रिप्रोड्यूस हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, या उनका एनिमल ब्रीडिंग हो रही है या उनकी प्लांट ब्रीडिंग हो रही है, तो वो ही एक्टिविटीज हमारी कहेंगी जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जो हमारी हेन से मिलती है, कॉक से मिलती है, गाय से मिलती है, और भी जितने एनिमल्स है या प्लांट्स है जिनसे हमें कुछ मिलता है, वो बोलते हैं एक जेनेटिक इंडस्ट्रीज। लेट्स से द सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज। क्या मतलब? जो हमारी नर्सरीज होती हैं वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आएंगी। अब नेक्स्ट हम आ गए हैं सेकेंडरी पे। देखो यार हमने बहुत इजीली अब ये तो कर लिया, प्राइमरी हमारा खत्म हो गया, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक प्राइमरी हमें बिल्कुल समझ आ गया, हमें क्या होता है। अब हम आ गए सेकेंडरी पे। सेकेंडरी भी फर्दर दो चीजों में डिवाइड हो सकती है। दो चीजें क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग नाम से ही पता लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो हैं जिसमें हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी रॉ मटेरियल का यूज करके कोई फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे टर्न आउट डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स. हम डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल या देखो रॉ मटेरियल या पार्टली फिनिश प्रोडक्ट्स का यूज करके एक नया प्रोडक्ट जब बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग. दीज इंडस्ट्रीज, देखो क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है सारी, एनसीईआरटी ही की लैंग्वेज है और एनसीईआरटी से ही पढ़ना वो सफिशिएंट है हमारे लिए. दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड दस क्रिएटिंग यूटिलिटीज. हमने पढ़ा पहले कि यूटिलिटीज बहुत जरूरी है, हमें यूटिलिटी के बिना कुछ काम नहीं होने का हमारा. तो वैसे ही फॉर्मिंग यूटिलिटीज इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जब तक हमें यूटिलिटी गेन नहीं होगी कोई प्रोडक्ट हमारा वेस्ट है, हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे जब तक हमारी कोई यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट से गेन नहीं होगी. अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अब देखो यार, इसका भी शॉर्ट फॉर्म बहुत इजी बना दिया है आप सबके लिए. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं. लेट्स से आसपा इज द की. देखो जल्दी देखो, यहाँ पे आसपा इज द की. आसपा क्या बोलती है? एनालिटिकल. खत्म. ऐसे जल्दी बताओ क्या होता है? सिंथेटिकल, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली. आसपा ये आ सकता है एग्जाम में, तभी बता रहा हूं. आसपा, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबली. आप देखो हल्के हल्के इनको समझते हैं. आसपा क्या बोलता है? एनालिटिकल. एनालिटिकल मतलब जहां पे हमें कुछ रॉ मटेरियल दिया हो और हम उससे पार्ट्स या एलिमेंट्स निकाल के एक नया फाइनल प्रोडक्ट बनाए उसको हम बोलेंगे एनालिटिकल. एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑयल रिफाइनरी. जैसे एक ऑयल रिफाइनरी में एक ऑयल के 100 प्लस एलिमेंट्स होते हैं, आप उससे 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं बिकॉज बेस सेम है. ये थोड़ी साइंस की बात है कि हम एनालाइज करके डिफरेंट एलिमेंट्स को निकाल के एक ऑयल रिफाइनरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री का. बेसिकली एनालिटिकल इंडस्ट्री को समझने के लिए आप ये बोल सकते हो कि हमें एक चीज दी, हमने उसमें से ताका झाकी करी, जो यूजफुल लगा वो रख लिया और जो नॉन यूजफुल लगा वो हटा दिया, उसको हम बोलेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री. अब हम आ गए सिंथेटिकल इंडस्ट्री में. सिंथेटिकल इंडस्ट्री ये जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को कंबाइन करती है. एनालिटिकल ये जो एक कॉम्पोनेंट से डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स निकालती है. वैसे ही सिंथेटिकल ये है जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को कंबाइन करती है. और एग्जाम्पल दिया हुआ है सीमेंट. सीमेंट बहुत चीजों के मिक्सचर से बनता है, इसलिए होता है सिंथेटिकल. ये एग्जाम्पल आपको लर्न करने में भी आसान होगी और आपको समझने में भी आसान होगा. अब प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं. प्रोसेसिंग अभी हमने पढ़ लिया. फॉर एग्जाम्पल एक शू है, शू आया तो शू में लेदर लगेगा. सबसे पहला काम होगा लेदर को लाना, फिर उस लेदर को पॉलिश करना, फिर उस लेदर को शेप देना, फिर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बनाना. ऐसे एक शू स्टेज 10 और स्टेज 11 पे जाके बनता है. ऐसे ही डिफरेंट स्टेजेस को, डिफरेंट सक्सेसिव स्टेजेस फॉर प्रोसेसिंग को ही हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं. एक शू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है. और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है शुगर एंड पेपर. देखो आप शू भी ले सकते हो, पेपर भी ले सकते हो और शुगर भी ले सकते हो. ये सब एलिमेंट्स हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के. अब हम लास्ट पे आ गए असेंबलिंग. असेंबलिंग तो यार बोल ही रहे हैं, आपको याद है हम बहुत बार बोलते हैं कि तूने अपना कंप्यूटर असेंबल करवाया क्या. असेंबल मतलब कीबोर्ड कहीं से लिया, सीपीयू कहीं से लिया, माउस कहीं से लिया, मॉनिटर कहीं से लिया. तो वही असेंबलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है. हमारी बाइक, हमारी कार, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट से बनी है, वो असेंबली इंडस्ट्री का पार्ट है. असेंबल्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट. डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स गैदर करे, एक नया कंप्यूटर सिस्टम बना, बोलेंगे. अब हम आ गए हैं, देखो यहाँ पे हमने इंडस्ट्री के प्राइमरी करा, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, डन, वेरी गुड, सही पेस पे जा रहे हो बिल्कुल. सेकेंडरी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, इस पे हमने ये लर्न की आसपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके चलना, इसको हमने करा आसपा, समझ गए. एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग. अब हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट इसमें कंप्लीट हो गए. हम बचे, अब हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन. यार सीधा लैंग्वेज ही कह रही है, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करना है. जैसे रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, घर कंस्ट्रक्ट करना है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है. ये डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के नाम दिए हुए हमने बेसिकली. तो इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती है. एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ बिल्डिंग की फोटो दिखा दी है और दिखा क्या दिए, जेसीबी दिखा दिए आपको. जेसीबी आपको याद है, जेसीबी का ट्रैक्टर, ये जेसीबी का मशीन हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल जाती है, तो कंस्ट्रक्शन उससे याद आ जाएगा आपको. अब
इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स मिलके इन साइट्स को बनाते हैं। देखो यार, कोई कॉमर्स वाला नहीं कोई बिल्डिंग खड़ा करेगा, कोई आर्किटेक्ट उसको डिजाइन करेगा और इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग उसको इंप्लीमेंट करेगी। तो इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर का ज्यादा काम होता है। इफ यू वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन यू नीड इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स। अब लास्ट टॉपिक पे आज हम आ गए हैं, उस टॉपिक का नाम है टर्शियरी इंडस्ट्रीज। अब टर्शियरी इंडस्ट्रीज का मतलब, टर्शियरी इंडस्ट्रीज वो हैं विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ये आपको थोड़ा बहुत लर्न करनी पड़ेगी। सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर बनाया, मैं ये भी तो चाहता हूँ कि मेरे घर पे अगर आग लगे तो मुझे उसके पैसे मिले, ताकि मैं मॉनिटरी वाइज तो सेव रहा हूँ। तो वो काम है टर्शियरी इंडस्ट्री का। टर्शियरी इंडस्ट्री मतलब बैंकिंग या इंश्योरेंस या लॉजिस्टिक्स या मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल इसका मैं देता हूँ, फेडेक्स। फेडेक्स एक कंपनी है जो आपका सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कैनेडा शिफ्ट हो गया, पंजाबी तो कैनेडा शिफ्ट हो जाते हैं, तो आज मैं कैनेडा शिफ्ट हो गया, तो मैं अपना घर का सामान कैनेडा कैसे पहुंचाऊंगा? मेरी कंपनी है फेडेक्स, मैं कंपनी का सर्विसेज हायर करूंगा, फेडेक्स को कॉल करूंगा, कहूंगा सर पैसे लो, मेरा काम करो, मेरा सामान पहुंचाओ, और वो एक सर्विस प्रोवाइड करके मेरा काम कर देंगे। तो फेडेक्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ये आप एग्जाम में लिखा होगा तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है फेडेक्स। जब हमने किसी की सर्विसेज ली अपना काम करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी इज वन एग्जांपल, कंसल्टेशन इज वन एग्जांपल। आप कभी जाते हैं किसी के पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने और वो कहते हैं ओके सर कंसल्टेंसी फीस लगेगी, तो वो फीस ही हमारी, कंसल्टेंसी फीस और कंसल्टेशन हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट है। अब दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज। देखो, हम मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके मैं पैसे ले रहा हूँ, वो ही टर्शियरी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। As business activities, they may be considered to be part of auxiliaries to trade. अब जो हमने पीछे चार्ट पढ़ा, ये कुछ ना कुछ कॉमर्स से रिलेशन इसका ज्यादा है, इसलिए इस पूरे टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा समझ आएगा, हमें नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख लो, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। एग्जाम्पल देख ले तो यार फेडेक्स का एग्जाम्पल समझ आ गया, एस्ट्रोलॉजी समझ आ गई, कंसल्टेशन फीस समझ आ गई, तो वैसे ही हमने ये एग्जाम्पल समझ लिया है, ये सारे टर्शियरी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। बेसिकली सर्विस ओरिएंटेशन होता है वहां पे, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो हमारा सारा टर्शियरी है, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 3 आएगा अब चैप्टर 1 का, दिस वॉज पार्ट 2, दिस वॉज डन। अब ऑलमोस्ट हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म हो गया, 45 डेज के अंदर हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि आप सबके लिए 45 डेज के अंदर ये सारा खत्म करवाएं। ये देखो 45 डेज के अंदर बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स खत्म है हमारी, आपको मजा आने वाला है। अब इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है, एवरी नाइट एट 9 PM आप सबको इकोनॉमिक्स क्लास 11 मिल जाएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 11th 8 o'clock मिल जाएगा, 8 PM 9 PM। एप्लीकेशन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि नोटिफिकेशन आता रहे, हम बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। देखो यार, 11th क्लास एक बेस है बोर्ड्स का, उसके लिए हमें अभी से ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलने पड़ेंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया ये सारे कॉन्सेप्ट्स बीकॉम, बीए और बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, एमबीए में तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक चल रहे हैं। तो समझ लो कि आप ही बेस स्ट्रांग बनेगा तो आप कॉमर्स फील्ड में या जो भी आपका फ्यूचर गोल है उस पर आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो हैव अ ग्रेट वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, लर्न करो 9 to 12। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका विश्वास चाहिए, आप सबका टाइम चाहिए, ताकि हम जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करें। हैव अ ग्रेट वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।